इस बात को मैसेज देना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी को लेकर जो चल रहा है झांसी में और उसको तीसरा दर्जा दिया है स्वास्थ्य को लेकर, सफाई को लेकर, कैसे तीसरा दर्जा आया है यूपी के अंदर, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। जब तक नालों की सफाई नहीं होती है तो नालों की ही वजह से घरों के अंदर पानी अंदर जाता है, जिसकी वजह से झांसी के अंदर कई लोग बीमार रहते हैं, बच्चे बूढ़े कभी बीमार रहते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी, नगर निगम का, यहाँ पे अधिकारियों का समझ नहीं आ रहा, सिर्फ इसमें कागजी कार्रवाई हो रही है। आपकी प्राथमिक मांगे क्या है अभी मौके पे? अभी मौके पे अधिकारी जो भी आए, प्राथमिक मांग हमारी सबसे पहले ये है कि हमारे इन नाला गैंग भाइयों से बात करी जाए और उनके बाकायदा आश्वासन दिया जाए। आश्वासन तो नहीं मांगेंगे हम, इस बात को कहा जाए कि हम आपको संविदा कर्मचारी के रूम में रखेंगे, यहाँ पे जो भी हो उसको लेकर नगर आयोग बिल्कुल बिल्कुल इस पर आमादा हो, तभी हम लोग इधर से बाहर निकलेंगे।